So good afternoon, everyone. Today we are going to start a new topic that is marshalling and appreciation of evidence. आप इसको कह सकते हैं कि साक्ष्यों का क्रमबद्ध और विश्लेषण. और जो लोग YouTube पे देख रहे हैं, so please like, subscribe and share my videos. और आपको और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, so that we may come to know कि आप लोग एक्चुअली में चाहते क्या हैं. और जो लोग रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हैं, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली डू द लाइव क्लासेस सो दैट यू मे आस्क द क्वेश्चंस. और जो लोग अभी लाइव क्लासेस देख रहे हैं, सो आप तो है ही हैं. एंड हमने इससे पहले क्या क्या क्लासेस कर लिए थे, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हमने किए जजमेंट राइटिंग पे. देखते हैं, हमने फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज सीख लिए, ऑर्डर राइटिंग कैसे करते हैं वो हमने देख लिया, जजमेंट राइटिंग के फॉर्मेट्स हमने देख लिए कि भाई कौन कौन से फॉर्मेट्स क्या होते हैं जजमेंट राइटिंग के, हमने ये देख लिए. और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज भी हमने बताए थे आपको, कॉन्सेप्ट बताया था कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज क्या होते हैं. आज की क्लास में जो हम सीखेंगे, बहुत ही 20-25 मिनट का वीडियो है, ये लेक्चर्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मार्शलिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस अपने आप में एक अहम रोल अदा करता है जजमेंट राइटिंग में, चाहे आप जज बन गए, चाहे आप एडवोकेट हैं, आइदर यू आर ए स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, सबको काम में आने वाला है ये. साक्ष्यों का जो क्रमबद्ध और विश्लेषण होता है, पहले तो हम समझेंगे मार्शलिंग ऑफ एविडेंस किसे कहते हैं. मार्शलिंग ऑफ एविडेंस को समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं. जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है आपको कि मार्शलिंग ऑफ एविडेंस मींस अरेंजिंग द एविडेंस ऑफ पार्टीज इन प्रॉपर मैनर अंडर ईच इश्यू और चार्जेस टू बी प्रूव. मार्शलिंग ऑफ एविडेंस में क्या होता है कि हम चीजों को क्रमबद्ध करते हैं, व्हाट एवर द एविडेंसेस वी हैव रिसीव्ड. जाहिर सी बात है कि वादी ने कुछ एविडेंस दिए होंगे, प्रतिवादी ने कुछ एविडेंस दिए होंगे, जो इश्यूज हैं उस पे वादी ने भी एविडेंस दिए होंगे और उसी का खंडन करने के लिए प्रतिवादी यानी कि डिफेंडेंट ने भी, सिविल मैटर में अगर मैं बात करूं, डिफेंडेंट ने भी कुछ अपने एविडेंस दिए होंगे, जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस है, साक्ष्य प्रस्तुत किए होंगे, है ना. तो हमें किसी जजमेंट पे कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले हमें जो एविडेंसेस प्लेंटिफ ने और जो एविडेंस डिफेंडेंट ने दिए हैं उसको क्रमबद्ध करना होता है, मार्शलिंग करनी होती है ना. अब मार्शलिंग में क्या होता है कि ऐसा नहीं है ना कि कोई इश्यूज है भाई, चार्जेस भी कई हो सकते हैं. जो हमने क्रिमिनल में आपको पढ़ाया, 2-3 चार्जेस हो सकते हैं, एक बंदा 2-3 ऑफेंसेस कमिट कर सकता है, तो उसके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन ने क्या क्या एविडेंस लीड किए हैं और उसके डिफेंस काउंसिल ने यानी कि उसने अपने बचाव में क्या क्या एविडेंस लीड किए गए हैं, है ना. एक चार्जेस अगर फ्रेम है तो पहले चार्जेस में क्या क्या एविडेंस उसने दिए, प्रोसिक्यूशन ने क्या क्या दिए, उसका खंडन करने के लिए, रिबट करने के लिए उसको, उसके विरुद्ध में, उसके अगेंस्ट में या अपने बचाव में उस अभियुक्त ने, एक्यूज ने क्या क्या एविडेंस दिए वो हमें देखना पड़ेगा और उसको सीरियल वाइज से लगाना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा. क्योंकि मार्शलिंग ऑफ एविडेंस मतलब ही होता है कि एविडेंस को जो पार्टीज ने प्रॉपर मैनर में दिए उसको प्रॉपर मैनर में अरेंज करना, है ना, अंडर ईच इशू और चार्जेस टू बी प्रूव्ड. जो चार्ज प्रूव करना है, जो इशू सिविल मैटर में अगर बात करें, जो इशू प्रूव्ड करना है, जो तथ्य प्रूव करने, जो वाद है, जो वाद है, जो मेन इशू है उसको जो प्रूव करना है, उससे रिलेटेड जो भी एविडेंस दिए गए हैं उसको सीक्वेंस में, अरेंजिंग में लगाना. सेकंड लाइन में यहाँ पे लिख दिया गया है, इट इज द सीक्वेंसिंग ऑफ एविडेंस इन सच वे व्हिच लीड्स टू प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस बाय द कोर्ट. ऑब्वियसली बात है कि जो मार्शलिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप है वो एप्रिसिएशन होता है ना. आप सोच के चलो कि जब मार्शलिंग और अप्रिसिएशन हो जाता है तो मतलब कि 80% 90% जजमेंट हो गया हमारा. तो जजमेंट कह लो, देखती जजमेंट राइटिंग का ये जो मेन कॉन्सेप्ट है मार्शलिंग एंड एप्रिसिएशन. विदाउट मार्शलिंग, विदाउट एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस यू कैन नॉट राइट इम्प्रेसिव जजमेंट, है ना. कंक्लूजन पे आप पहुंच ही नहीं सकते. तो एविडेंस को इस तरह से सीक्वेंस में लगाना ताकि उसको फिर आगे चल के उसको फिर एप्रिसिएशन किया जा सके. अब एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस क्या होता है, इसी में लगे हाथ में बता देता हूं. एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस में होता है कि एविडेंस का विश्लेषण करना. भाई देखिए, एविडेंस क्या होता है कि वादी ने, अगर मैं सिविल में बात करूं, वादी भी बहुत सारे एविडेंस देगा जो रेलिवेंट है, नहीं है, पता नहीं रेलिवेंट है. सेक्शन साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जो सेक्शन 6 से लेके 55 तक है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट यानी कि वादियों का तर्क संगत होना,
मुद्दे का तर्क संगत होना, तो क्या एक्चुअली में वट एवर द एविडेंसेस हैज बीन गिवन बाय द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट एक्चुअली में वो सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 55 एविडेंस एक्ट में कहीं ना कहीं फिट हो रहा है? क्या जिस इशू को प्रूव करना है, जिस फैक्ट को प्रूव करना है, क्या सच में एविडेंस उससे रिलेटेड है कि फालतू का एविडेंस लाके दे दिया? आप बीइंग ए जज, आप जजमेंट राइटिंग लिखने जा रहे हैं, तो आप ये छटनी नहीं करोगे कि भैया क्या क्या तर्क संगत है, क्या क्या रेलिवेंट है, जो रेलिवेंट एविडेंस है उसी को हम लेंगे, पहचानेंगे ना आपकी जो भी एविडेंस, जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए गए हैं। अब इसी सिलसिले में अभी ठीक है अप्रिसिएशन पे आता हूँ, ज्यादा अंदर इसके नहीं जा रहा हूँ। तो इसी को हम अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस कहते हैं। अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस में ये होता है कि जस्ट टू एनालाइज द एविडेंस कि हाँ सच में ये तर्क संगत या रेलिवेंट एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट तो बहुत सारे देंगे अपने बचाव में, अपने एक दूसरे को रिबट करने के लिए, एक दूसरे का खंडन करने के लिए हजारों एविडेंस देंगे। तो इसका मतलब नहीं कि हजारों एविडेंस के बेस पे आप जजमेंट राइटिंग लिखेंगे। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा एविडेंस रेलिवेंट है, कौन सा एविडेंस रेलिवेंट है, कौन सा एविडेंस रेलिवेंट नहीं है। यू विल हैव टू डिटरमाइन। आपको सेक्शन 6 से 55 तक एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई हम सही जा रहे हैं कि नहीं, रेलिवेंट है कि नहीं। जो रेलिवेंट नहीं उसे हटाइए, छटनी करिए। दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। तीसरा है गुड मार्शलिंग ऑफ एविडेंस इज द प्री कंडीशन टू गुड एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। जाहिर सी बात है कि अगर आप गुड एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करना चाहते हैं, साक्ष्यों का अच्छे से विश्लेषण करना चाहते हैं, तो इसके लिए पहला कदम जो है वो आपको साक्ष्यों का क्रमबद्ध करना होगा, मार्शलिंग ऑफ एविडेंस करना होगा। एक बार आपने एविडेंसेस की मार्शलिंग कर ली, उसको क्रमबद्ध कर लिया, सीक्वेंस में लगा लिया, है ना, कौन कब एविडेंस दिया, उसके बाद उसको खंडन करने के लिए कौन एविडेंस दिया, प्रतिवादी ने ये एविडेंस दिया, अब इसके खंडन करने के लिए वादी ने ये एविडेंस दिया, उसको खंडन करने के लिए प्रतिवादी ने कुछ एविडेंस दिए, तो ये एविडेंस अब आए, इसके बाद इसको खंडन करने के लिए प्रतिवादी ने दिए, इसी को हम सीक्वेंसिंग कहते हैं, सीक्वेंस में लगाना। ठीक है, जब सीक्वेंस में लगा लोगे फिर आप छटनी करोगे कि अच्छा कौन कौन से रेलिवेंट सच में है, रेलिवेंट एविडेंस रेलिवेंट है, तर्कसंगत है या नहीं है, वो आप देखोगे, उसको हम एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस कहते हैं। ठीक है, अब मार्शलिंग ऑफ एविडेंस में कुछ स्टेप है विच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड व्हाइल राइटिंग द जजमेंट। बहुत ही बेसिक चीज है, एग्जामिन ऑल द एविडेंस वेदर ओरल और डॉक्यूमेंट्री एज प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टीज। चाहे पार्टीज ने जो भी एविडेंस लीड किए, जो भी एविडेंस प्रस्तुत किए हैं, चाहे वो ओरल है चाहे वो डॉक्यूमेंट्री है, वो सारे एविडेंस को एग्जामिन करना। अब चूंकि आपने अगर एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सेक्शन 3 में एविडेंस एक्ट की परिभाषा, एविडेंस की परिभाषा लिखी गई है। अब परिभाषा में वहां पे कहा गया है कि एविडेंस में इंक्लूड्स ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री बोथ, है ना। हाँ, वो अलग बात है कि जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोई चीज होती है तो उस जो लिखित में चीजें होती है उसको लिखित में ही प्रूव किया जाता है। जहां पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वहां पे फिर ओरल की जरूरत नहीं पड़ती, मौखिक की जरूरत नहीं पड़ती, उसे ओरली आप लीड नहीं कर सकते, प्रूव नहीं कर सकते। टू में देखते हैं, आफ्टर दैट अरेंज ऑल द कनेक्टेड एविडेंस टुगेदर। अब उसके बाद क्या करना है, एक तो पहले सारे एविडेंस को एग्जामिन करना, चाहे किसी ने ओरल दिए हैं चाहे डॉक्यूमेंट्री दिए। उसके बाद सारे कनेक्टेड एविडेंस को अरेंज करना, सीक्वेंस करना, है ना। आउट ऑफ द होल कलेक्शन ऑफ एविडेंस ब्रिंग दोज एविडेंस टुगेदर अंडर द एनालिसिस ऑफ एन इशू और पॉइंट डिटर्मिनेशन विच आर रेलिवेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ दैट इशू और पॉइंट। आपको देखना पड़ेगा कि मुद्दा क्या है, इस मुद्दे से रिलेटेड ये एविडेंस है या नहीं है, या इस एविडेंस का इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। हमें इस इशू को डिटरमाइन करने के लिए, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए इस एविडेंस की कोई जरूरत नहीं है, जो ओरल एविडेंस दिए गए या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए गए तो इस डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं। यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको पहचानना है, जो चीज आपको लगे इरेलेवेंट उसे आप हटा देंगे, जाहिर सी बात है। दूसरा स्टेप ये है। तीसरा, द कंप्लीट टेस्टिमनी ऑफ एनी विटनेस इज नॉट टू बी स्टेटेड अंडर वन इशू एंड यू हैव टू पिक ओनली दोज स्टेटमेंट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस व्हिच आर हेल्पफुल इन प्रूविंग द पर्टिकुलर फैक्ट इन इशू। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एंड फॉर बेटर अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इट शुड बी डन मेटिकुलसली। जाहिर सी बात है कि आपके सामने बहुत सारे साक्षी आएंगे। कहते हैं कि साक्षी जो होता है, विटनेस जो होता है, वो न्याय का आंख और कान होता है। तो जब आपके सामने साक्षी प्रस्तुत किए जा रहे हैं तो आप बहुत सारे वो टेस्टिमनी अपने देगा, 10 बातें बोलेगा, आप उसको बीइंग जज, क्या होता है ना, जज का जो रोल होता है बहुत ही अहम होता है, इसको गॉड के बराबर रखा जाता है। और जज का काम ना ये कोई और लोग नहीं कर सकते, जज ही कर सकता है। दुनिया भर में हर चीज के, हर काम के लिए मशीन आ सकता है,
कंप्यूटर का काम है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन आ सकता है, हर काम के लिए मशीन हो सकता है, रोबोट हो सकते हैं, होटल में खाना पहुंचा सकते हैं, रोबोट आप पहुंचा भी रहे हैं आजकल, हर काम को मशीनरी वे में कन्वर्ट किया जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन एक जज का ही काम है जो कभी जिंदगी में भी ये मशीन से बदलाव नहीं किया जा सकता, इसका इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, इंसान ही जज बन के बैठेगा, रोबोट नहीं बैठ सकता, क्यों, उसका रीजन है। आप विटनेस को जब देखते हैं तो वो सही कह रहा है या गलत, क्या आपके पास इतना सेंस नहीं होता, क्या आप उसके भाव भंगी से, क्या डिमिन्योर जिसे कहते हैं आपने पढ़ा होगा अगर आपको याद आ रहा हो, डिमिन्योर मतलब क्या होता है कि विटनेस जो होता है उसके एक्सप्रेशन से, हाव भाव से यू कैन जज कि वो सही बोल रहा है नहीं, क्या उसकी बातों पे हम भरोसा कर सकते हैं, क्या वो तर्क संगत बातें कर रहा है, कितना वो रेलिवेंट बातें बोल रहा है, क्या वो भरोसे लायक ट्रस्टवर्दी भी विटनेस है, है ना, ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा, तभी कंप्लीट टेस्टिमनी विटनेस का आप लेंगे, जो भी इश्यूज से रिलेटेड है टेस्टिमनी उसको आप एक्सट्रैक्ट करोगे, उसकी बातें कितने 100% भरोसा किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लीड किए गए हैं क्या उससे मिलती जुलती चीजें, वो भी विटनेस वो भी कह रहा है एक दूसरे से कनेक्टेड है नहीं है, ये सब सारी चीजें मार्शलिंग में आप देखोगे, ये एक्चुअली ये अप्रिसिएशन का ही पार्ट आ जाता है, अप्रिसिएशन में हम थोड़ा सा इंटर कर गए हैं, तो अप्रिसिएशन में ये सारी चीजें देखी जाती है, बस मार्शलिंग में तो बस ठीक है सीक्वेंस आपने कर लिया, उसके बाद आपको विटनेसेस को देखना है, एविडेंस को देखना है, उसके चीजों को देखना, तो दिस इज ऑल अबाउट मार्शलिंग। अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस में देख लेते हैं फटाफट, अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस बेसिकली मींस वेइंग द रिलायबिलिटी एंड ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ विटनेस एड्यूस्ड इन अ केस, ऑब्वियसली बात है कि जैसा कि आपने शुरू में ही आपको बताया गया है कि जब भी कोई एविडेंस लीड किए जाते हैं तो उसके वजन को, क्या होता है ना कि कोर्ट में नंबर ऑफ विटनेसेस मैटर नहीं करते, आप 100 विटनेस प्रस्तुत कर दो अपने फेवर में, लेकिन जब तक उन साक्ष्यों में, उन विटनेसेस में वजन नहीं होगा, एक विटनेस अगर वजनदार है, मतलब बात कह रहा है, सही बात कह रहा है, मतलब एकदम जबरदस्त बात कह रहा है वो, कि हर चीज वो कोरोबरेट हो रही है, चीजें रिलेटेड चीजें कह रहा है, रेलिवेंट चीजें बता रहा है वो, उसकी बातों को नकारा नहीं जा सकता, रिबट नहीं किया जा सकता, तो वो अहम रोल अदा करेगा। तो ये कहा गया है कि नंबर ऑफ विटनेसेस डज नॉट मैटर, रादर वेट ऑफ द विटनेस मैटर्स, उसके संख्या को नहीं देखा जाता, उसके वजन को देखा जाता है, और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि विटनेस को तौला जाता है ना, काउंट नहीं किया जाता, तौला जाता है। तो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस में भी आपको ऐसे तौलना होता है एविडेंस को, विटनेसेस को, जो भी आपके सामने प्रस्तुत किए गए उनकी रिलायबिलिटी को, उनके ट्रस्टवर्दीनेस को, अगर कहीं भी लगता है गड़बड़ है, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तो ठीक है, होता है। अब चीफ एग्जामिनेशन हुआ, अब आपको पता है एविडेंस एक्ट में सीक्वेंस होता है, चीफ एग्जामिनेशन पहले होता है, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद री एग्जामिनेशन होता है। तो जब चीफ एग्जामिनेशन हो रहा है तो ठीक है, जो मन करेगा वो बताएगा, जो रट के आया होगा बताएगा, लेकिन जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, प्रतिक्षण होता है, परीक्षण होता है, तो कहते हैं कि अच्छा जो एडवोकेट होता है तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत ही बेटर वे में करता है, एक एक चीज को निकाल के खींच के लेके उसकी जुबान से खींच लेता है ना विटनेस को, कोई चीज झूठ नहीं बोल सकता। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में पता चलता है कि जो विटनेस खड़ा होकर बोल रहा है तो फिर घबराने लगता है, जब वो झूठ बोल रहा होता है तो घबराने लगता है, जब उससे कोई चीज पूछी जाती है, जैसे आपने अरशद वारसी का वो देखा, आपने मूवी का नाम नहीं आता रहा, जो भी है, तो अरशद वारसी विटनेस आके खड़ा होता है ना, अरे जॉली एलएलबी है, हाँ, तो विटनेस बॉक्स में आके खड़ा होता है, और वो जो बोमन ईरानी होता है उसको पहले सिखा देता है कि तुम बोल देना कि तुम कार चला रहे थे और ऐसे ऐसे हो गया, तो फिर अरशद वारसी उससे क्रॉस एग्जामिनेशन में, क्रॉस एग्जामिन द मोमेंट ही स्टार्ट्स क्रॉस एग्जामिनेशन, ही आस्क कि भाई किस गियर पे था, आपकी गाड़ी किस गियर पे थी, तो बोल देता है कि तीसरे गियर पे थी, तो अरशद वारसी बोल देता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऑटोमेटिक गाड़ी थी और उसमें कोई गियर और नहीं होता, वो ऑटोमेटिक होता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में सारी बातें निकल के आ सकती हैं, आ जाती हैं, अगर कोई झूठ बोल रहा है तो। तो अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस में यही होता है, बेसिकली आप ये देखते हो कि जो एविडेंस लीड किए गए हैं उनकी जो है रिलायबिलिटी कितनी है, उन पे कितना भरोसा किया जा सकता है ना। अब अंडर सेक्शन 3 के अंदर आपको पता है एविडेंस मतलब क्या होता है, एविडेंस मींस एंड इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट्स व्हिच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस, यानी कि कहते हैं ऑल स्टेटमेंट्स, पहले तो ये ओरल एविडेंस की बात करें, परमिट्स और रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस, बाय विटनेस तो मतलब कि ओरल एविडेंस, इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट एंड अंडर इंक्वायरी एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट्स, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं, दोनों इंक्लूड होते हैं एविडेंस में।
अब आपको साथ ही साथ सेक्शन 5 को भी साथ में लेके चलना है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के मुताबिक सेक्शन 5 को भी ध्यान में रखना है, विच इज अ डिक्लेरेटरी प्रोविजन। ये क्या प्रोवाइड करता है कि एक पार्टी कैन गिव द एविडेंस टू प्रूव ओनली द फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट, एंड नो एविडेंस कैन बी गिवन रिगार्डिंग एनी अदर फैक्ट। ये सेक्शन 5 में लिखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, जो लोग पढ़ चुके वो समझ रहे होंगे, है ना, कि आप कोर्ट में उन्हीं फैक्ट फैक्ट इन इश्यू पे सिर्फ आप एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे, या अगर रिलेटेड फैक्ट है, रेलिवेंट फैक्ट है, तर्क संगत तथ्य है, तो उन्हीं के बारे में आप एविडेंस दोगे। फालतू का एविडेंस आप नहीं दोगे। एक ऐसा एविडेंस ना उसका फैक्ट इन इश्यू से लेना देना है, ना उसका रिलेवेंट फैक्ट से लेना देना है, तो आप उसको प्रस्तुत नहीं करोगे। तो ये भी बीइंग ए जज आपको देखना है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस में, कि जो भी एविडेंस हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं, क्या कहीं ना कहीं वो या तो फैक्ट इन इश्यू से रिलेटेड होगा या तो रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड होगा, दोनों में से किसी से रिलेटेड नहीं है, आप उसको रिजेक्ट करना है, आपको आपको उस एविडेंस को रिजेक्ट करना है, उसको दरकिनार कर देना है। अब 136 जब आएंगे आप एविडेंस एक्ट का पैरा वन में आएंगे, तो वहां लिखा है व्हेनेवर एनी पार्टी वांट्स टू प्रोड्यूस एनी एविडेंस टू प्रूव एनी फैक्ट, द कोर्ट में आस्क फर्स्ट द पार्टी टू प्रूव हाउ दैट फैक्ट इज रेलिवेंट एज पर एविडेंस एक्ट। यानी कि बीइंग ए जज आप पूछ सकते हैं 136 के अनुसार, जब भी कोई पार्टी कोई प्रूफ करना चाहे ना कोई फैक्ट, तो आप उससे पूछो कि भैया ये फैक्ट जो आप प्रूफ करना चाहते हो ये रेलिवेंट फैक्ट है, कैसे कैसे रेलिवेंट फैक्ट है, आप इसको प्रूफ करो, कैसे सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 655 में कहीं ना कहीं फिट हो रहा है, किस सेक्शन में फिट हो रहा है, क्यों आप इसको प्रूफ करना चाहते हो, क्या रेलिवेंसी है इसकी, प्रूफ करके क्या कर लोगे। गुड आफ्टरनून दीप्ति, है ना। तो तथ्यों की सुसंगति भी आपको देखनी है, ये एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस में ये अहम रोल होता है। इफ द पार्टी प्रूव्स द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट ओनली देन कोर्ट वुड अलाउ द पार्टी टू प्रूव दैट फैक्ट बाय प्रोड्यूसिंग एविडेंस। अगर पार्टी प्रूव कर लेता है कि हाँ भाई तर्क संगत है सर, ये इसका केस से लेना देना है, तो ही आप इजाजत देते हो, हाँ ठीक है प्रूव करो। सो व्हाइल अप्रिसिएटिंग द एविडेंस इन राइटिंग योर जजमेंट, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू एस्टेब्लिश, आपको तथ्यों की सुसंगति को स्थापित करना होगा जजमेंट राइटिंग को लिखते हुए, है ना, जो सेक्शन 6 से लेके 55 तक एविडेंस एक्ट में ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब एक दूसरा पॉइंट बिंदु देख लेते हैं इस बाबत, कि ओनली दोज फैक्ट्स व्हिच आर प्रूव्ड बाय द पार्टी विद द हेल्प ऑफ ट्रस्टवर्दी एविडेंस आर टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय द कोर्ट टू डिसाइड द केस। ऑब्वियसली बात है कि जो ट्रस्टवर्दी एविडेंस के जरिए से जो भी फैक्ट प्रूव किए गए हैं उन्हीं फैक्ट को सिर्फ लेकर लिया जाएगा, उन्हीं को मद्देनजर देखा जाएगा। दिस इज बिकॉज इट इज द मैंडेट ऑफ सेक्शन 165 पैरा 1 ऑफ एविडेंस एक्ट, 165 भी पढ़ लीजिएगा आप एविडेंस एक्ट का, कि जजमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स व्हिच आर रेलेवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड। जो जजमेंट होने चाहिए सेक्शन 165 में एविडेंस एक्ट में लिखा है कि जजमेंट का जो आधार होना चाहिए शुड बी बेस्ड ऑन, जजमेंट जो है रेलिवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड फैक्ट के बेसिस पे आधार पे पास होना चाहिए, है ना। आपने जजमेंट ऐसे ऐसे दे दिया, मनगढ़ंत कहानी के बेस पे थोड़ी जजमेंट दोगे आप ऐसे जजमेंट ऐसे फैक्ट के ऊपर दोगे जो ड्यूली प्रूव्ड हो चुका है। कोई फैक्ट अगर प्रूव्ड हो चुका है, रेलिवेंट फैक्ट है, तो वो प्रूव्ड हो चुका है, ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो उसके बेसिस पे आप जजमेंट दोगे ना। अब कुछ स्टेप्स हैं अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस के अंतर्गत, जैसे हमने मार्शलिंग में देखा, वैसे कुछ बिंदु इसमें भी हैं, स्टेप आपको फॉलो करना होगा। पहला स्टेप है कि आपको पहले सबसे पहले रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स को एस्टेब्लिश करना होगा, स्थापित करना होगा, तथ्यों की तर्क संगति को स्थापित करना होगा। दूसरा स्टेप है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, एविडेंस की एडमिसिबिलिटी आप देखेंगे कि क्या इस एविडेंस को एडमिसिबल किया जा सकता है। एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस क्या होता है, एविडेंस एक्ट उसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको, जो लोग पढ़ चुके हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं पढ़े हैं उसको आप देखिएगा। स्टेप 3 में देखते हैं अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, ऑब्वियसली बात है एविडेंस की अप्रिसिएशन करेंगे आप, विश्लेषण करेंगे कि इसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, जो बेकार है, तर्कसंगत नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, उसको हटाना है, तर्कसंगत है उसे लेना है ना। स्टेप 4 में इफ एविडेंस इज रिलायबल, हेलो सीनर, इफ एविडेंस इज रिलायबल देन इट विल प्रूव द रेलिवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू एंड दिस इज द स्टेज व्हेन द फैक्ट इज सेट टू बी ड्यूली प्रूव। जाहिर सी बात है जब वो साक्ष्य जो है रिलायबल होंगे, भरोसे के लायक होंगे, ट्रस्टवर्दी होंगे, है ना, वजन होगा उनमें, तब कहा जाता है कि हाँ ये रेलिवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इश्यू को प्रूव कर देगा, और जब वो प्रूव कर देता है तो कहा जाता है कि हाँ फैक्ट वो ड्यूली प्रूव्ड है ये फैक्ट। और लास्ट स्टेप ये होता है डिसीजन जब आप लिखेंगे तो वही रेलिवेंट फैक्ट जो कि प्रूव्ड हो चुके हैं, ड्यूली प्रूव्ड हो चुके हैं, उसी को आधार मानते हुए आप अपना जजमेंट राइटिंग लिखेंगे। तो ये जो होल कॉन्सेप्ट मार्शलिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस का है वो हमने देख लिया, और आज की क्लास बस यही तक, छोटी सी क्लास थी, मार्शलिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस को हमने समझ लिया। आगे की क्लास में हम लोग क्या क्या समझेंगे वो मैं बता देता हूँ, जजमेंट राइटिंग की क्लास में, आगे की क्लास में, इसी में ये खत्म नहीं हुआ है अप्रिसिएशन में, मार्शलिंग एंड अप्रिसिएशन, इसमें हम देखेंगे कि ओरल एविडेंस का अप्रिसिएशन कैसे होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का अप्रिसिएशन कैसे होता है वो हम देख लेंगे,
और अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस का कुछ हम एग्जांपल देख लें देख बता देंगे आपको, है ना, और अलग अलग विटनेस का अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस कैसे करते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट विटनेस का, है ना, कोई चाइल्ड विटनेस है, इंटरेस्टेड विटनेस है, ना इंजर्ड विटनेस है, चांस विटनेस है, हॉस्टाइल विटनेस है, तो इन सब विटनेस को कैसे आप अप्रिशिएट करिएगा, कैसे इन विटनेस को विश्लेषण करिएगा इनका, जो ये बोल रहे हैं, कोई बच्चा बोल रहा है आपके सामने खड़ा होगा, आप जज हो, तो कैसे आप विश्लेषण करोगे उसको, कैसे आप उस चीज को मानोगे क्या सही है या गलत है, तो ये सब सारी, कोई इंटरेस्टेड विटनेस है, एक ऐसा विटनेस है जो मान लो हस्बैंड कुछ कर दिया, उसकी पत्नी आई है, बीइंग विटनेस, रिलेटेड विटनेस है, कैसे आप उसका अप्रिशिएट करोगे, अप्रिसिएशन ऑफ विटनेस कैसे यूज करोगे, ये सब सारी चीजें, एक्सपर्ट विटनेस है, कैसे क्या होगा उसके, क्रिमिनल केसेस में हम देख लेंगे, सिविल केसेस में अलग अलग हम देख लेंगे, अभी इस पे अप्रिसिएशन एंड मार्शलिंग ऑफ एविडेंस पे दो क्लास और मैं लूंगा, विद इन टू क्लासेस वी विल फिनिश द कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रिसिएशन एंड मार्शलिंग ऑफ एविडेंस, साक्ष्यों का क्रमबद्ध और विश्लेषण। तो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, जीनत आप लेट हो गई, तो once again I request all of you, those who are watching this video on YouTube, so may subscribe our channel for more videos. Thank you so much everyone.